बस्ती जिले में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। जनपद में गड़बड़ाई बिजली व्यवस्था। बता दें कि विद्युत विभाग के कर्मचारी अपनी तमाम मांगों को लेकर पिछले चार दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के चलते जनपद में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो गई है। जहां शहरों में एक तरफ लोग परेशान हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत की सप्लाई सही तरीके से न होने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी के नेताओं ने बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यह धरना जारी रहेगा। आगे आने वाले दिनों में अगर धरने को जिला प्रशासन व अन्य प्रदेश के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा बातचीत के जरिए खत्म नहीं कराया गया तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था गड़बड़ा सकती है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग 29 नवंबर से कार्य बहिष्कार पे हैं। एक महीना पहले 27 अक्टूबर को नोटिस दी गई थी 15 सूत्री मांग के लिए, जिसमें से प्रमुख मांगे थी स्वेच्छाकारी जो निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जाता है कि आज इतना लक्ष्य लाना, आज इतना लक्ष्य जो अव्यवहारिक है, जिससे कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। धरना का आज चौथा दिन है। विद्युत कर्मचारी संघ संघर्ष समिति तो धरना बैनर तले हम लोग धरना दे रहे हैं। आज धरने का हमारा चौथा दिन है। हमारी प्रमुख मांगे 15 हैं। मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना स्थल से उठेंगे।